नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 10R 150 वॉट 5G वर्सेस Apple iPhone 13 mini का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में 6.43 इंच जबकि iPhone 13 mini में 5.18 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 10R 150 वॉट 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में 2.97 इंच जबकि iPhone 13 mini में 2.53 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 10R 150 वॉट 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 10R 150 वॉट 5G में 0.32 इंच जबकि iPhone 13 mini में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 10R 150 वॉट 5G में 186 ग्राम जबकि iPhone 13 mini में 141 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में फ्लूइड AMOLED जबकि iPhone 13 mini में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 10R 150 वॉट 5G में 20:1:9 जबकि iPhone 13 mini में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में 6.7 इंचेस जबकि iPhone 13 mini में 5.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10R 150 वॉट 5G में 1080x2412 और iPhone 13 mini में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10R 150 वॉट 5G में 87.9% जबकि iPhone 13 mini में 84.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10R 150 वॉट 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPhone 13 mini में 476 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10R 150 वॉट 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 13 mini की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 10R 150 वॉट 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 13 mini की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10R 150 वॉट 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPhone 13 mini में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में माली G610MC6 जबकि iPhone 13 mini में Apple GPU 4-Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max और iPhone 13 mini में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो 10R 150 वॉट 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10R 150 वॉट 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में Android V12 जबकि iPhone 13 mini में iOS V15 देखने को मिलती है। बैटरी 10R 150 वॉट 5G में 4500 mAh जबकि
आईफोन 13 मिनी में 2438 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 10R 150 वॉट 5G में एक कलर्स, जबकि आईफोन 13 मिनी में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10R 150 वॉट 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें आईफोन 13 मिनी की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 69,900 रुपीस, 6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपीस, 6GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 99,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus 10R 150 वॉट 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Apple iPhone 13 mini की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 10R 150 वॉट 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा Xiaomi Mi 10T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 मिनी है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।